राजधानी जयपुर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़गणेश मंदिर पर रोप वे बनाया जाएगा। इसके तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए मंदिर महंत प्रदीप औदिच्य और संत महंतों के सानिध्य में आज रोप वे का भूमि पूजन किया गया। महंत प्रदीप ने बताया कि रोप वे बनने से अरावली पर्वतमाला की प्राकृतिक वादियों के बीच गढ़गणेश मंदिर तक श्रद्धालुओं के पहुंचने में मदद मिलेगी। रोप वे निर्माण करने वाली कंपनी के अनुसार इसकी लागत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं इसका निर्माण 2 वर्ष में पूर्ण होगा। आज गढ़गणेश मंदिर के रोपवे का प्रस्तावित यात्री जो रोपवे लगना था उसका नीम का मुहूर्त था शिलान्यास का। सिर्फ 5 संत मंत्रों ने भूमि पूजन करके गणेश जी के शिलान्यास का कार्य किया और यह कार्य संपन्न हुआ और ये जनता वहाँ कोई भी मौजूद नहीं थी, सिर्फ संत मंत्रों के बीच में 5 आदमियों ने मुहूर्त करके कार्य का शुरुआत करी। चुनावी आचार संहिता चल रही है जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हो सकता है। जैसे कि अखबार में आया था उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ, यहाँ पर आके कार्रवाई की, जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम था उसको बैन किया गया, हटाया गया, शामियाने तंबू हटाए गए और सारी व्यवस्थाएँ हटा करके निजी कार्यक्रम कोई भी कर सकता है।